नहीं टूटी है, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ जो सबसे उनका प्यारा गढ़ किला था उसके ऊपर की, तो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें, उसमें पैसा खाया है ये लोगों ने, ये बहुत ही गंभीर बात है। मूर्ति इसलिए टूटी है कि उसमें जो व्यवहार हुआ है, मूर्ति में कितना खर्चा हुआ है ऑफिसर आने दो, कोई बोलते हैं 2000 करोड़, कोई बोलते हैं 500 करोड़, कोई बोलते हैं 3000 करोड़, सामने आइए हाँ कितना खर्चा हुआ है, उसमें से कितनी लागत लगी है, कितना खर्चा हुआ है, किसने कितना कमीशन खाया है शिवाजी महाराज के काम में। जो शिवाजी महाराज ने इस तरह से यहाँ प्रशासन चलाया, लोग आज भी कहते हैं कि अगर राज चला रहा है तो शिवाजी महाराज जैसे चला है। जनता की जो खेती है उसमें से एक गाड़ी बोलते हैं उसको भी हाथ मत लगाइए, वो ऐसा उनको ऑर्डर था उस वक्त अपने सरदारों को और अपने सैनिकों को, जनता को तकलीफ मत दीजिए, जनता के साथ कोई गैर व्यवहार भ्रष्टाचार मत करिए। वो महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज, उसका मूर्ति बनाने में हजारों सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार, देवेंद्र फडणवीस खास, एकनाथ शिंदे, अब अजीत पवार जी ने कहा है कि मैं आंदोलन करूंगा उससे क्या होगा, इस्तीफा दीजिए, ये सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार हुआ है इस्तीफा दीजिए। मूर्ति क्यों टूटी है, भ्रष्टाचार हुआ है ना, खुलकर बोलिए भ्रष्टाचार हुआ है, इस्तीफा दीजिए। और कहा नहीं भ्रष्टाचार करते हैं लोग, जहां जहां राष्ट्रवाद राष्ट्रभक्ति का मामला आता है वहां ये लोगों का भ्रष्टाचार है। INS विक्रांत, कोर्ट ने कहा ना अभी INS विक्रांत में ये जो मुलुंड में बैठा एक नंगा आदमी बीजेपी का, 50 करोड़ खा लिया उसने, 50 करोड़। और देवेंद्र फडणवीस के ऊपर महाराष्ट्र का गुस्सा इसलिए है, ये सभी मामले रफा दफा कर देते हैं। अब शिवाजी महाराज का मामला देखिए, अभी INS विक्रांत का मामला कोर्ट ने वापस खुला किया है फाइल, INS विक्रांत, ये देवेंद्र फडणवीस का गृह मंत्रालय इस प्रकार से काम करता है। कल आपने मालौल में क्या देखा, क्या देखा आपने, गृह मंत्रालय को शर्म आनी चाहिए कि उनके पुलिस के ऊपर हाँ कुछ गुंडे उनके पार्टी के थूकते हैं उनके मुंह पर, पुलिस के मुंह पर थूकते हैं जाकर, देखा आपने कल जिस प्रकार से पुलिस को गालियां दे रहे थे ऑफिसर को, हाँ ये तो गृह मंत्रालय के मुंह पर थूकने की बात है। मैं तो यही कहूँगा, आप कुछ भी कहिए, क्या किया भाई गृह मंत्री जी जो है हमारे, गृह मंत्री का काम क्या है, सिर्फ अपने जो विरोधी है उनके खिलाफ FIR लॉन्च करो, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दायर करो, हाँ पैसा बनाओ, यही काम चल रहा है। आपके पुलिस के ऊपर आपके कार्यकर्ता सरेआम पब्लिक में थूकते हैं, गालियां देते हैं, आप क्या करते हो, आप अपने लोगों को पुलिस को वर्दी को प्रोटेक्ट नहीं करते, आप महाराष्ट्र में वर्दी का सम्मान नहीं कर सकते, तो इस्तीफा दीजिए। आप क्यों बैठे हो, आप खुलेआम पुलिस को देख लूंगा कर लूंगा, आपको चिंता है पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, देखिए राष्ट्रपति जी को चिंता है पश्चिम बंगाल की, जरा महाराष्ट्र में जरा ध्यान दीजिए। बोला मला कोणाची नावं घ्यायची नाहीत, ही गुंडागर्दी आहे। मालवणात काल जे झालेलं आहे, सिंधुदुर्ग किल्ल्यासमोर, राजकोट किल्ल्यासमोर, सर्जेकोट किल्ल्यासमोर, ही हा गृहखात्यावर महाराष्ट्राच्या थुंकण्याचा प्रयत्न आहे भाजपच्या गुंडांनी, बरं का, त्यात कोणी आमदार असतील खासदार असतील मला त्यात पडायचं नाही, पण देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री म्हणून त्यांना लाज वाटली पाहिजे की ते पोलिसांना सन्मान देऊ शकले नाहीत, पोलिसांची प्रतिष्ठा राखू शकले नाहीत, पोलिसांना संरक्षण देऊ शकले नाहीत, खुलेआम भर रस्त्यावर पोलिसांची वर्दी फाडण्याचा प्रयत्न झाला,
फक्त आता पोलिसांवर तिथे हल्ले करण्याचंच बाकी होतं. पोलिसांच्या तोंडावर थुंकण्याचा प्रयत्न काल झाला छत्रपती शिवरायांच्या किल्ल्यासमोर. काय करतात गृहमंत्री आणि गृहमंत्री समर्थन करतात त्या गोष्टीचं काय, तर म्हणे त्यांची बोलण्याची स्टाईल आहे. मग आम्ही बोलतो, आमच्यावर का गुन्हे दाखल करता, आमच्या लोकांवर कसले गुन्हे दाखल करता? प्रश्न छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचा नसून महाराष्ट्राची संस्कृती संस्कार हा या निमित्तानं पूर्णपणे फडणवीसांच्या काळामध्ये उद्ध्वस्त झालेला आहे. राष्ट्रवाद राष्ट्रभक्ती ही नावं घेतात तोंडी लावायला, पण राष्ट्रभक्ती आणि राष्ट्रवादाच्या नावाखाली या भाजपच्या लोकांनी जेवढा भ्रष्टाचार आणि व्यभिचार आणि अनाचार केलेला आहे तेवढा कोणी केला नसेल. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या निर्मितीमध्ये हजारो कोटी रुपये खाल्ले त्या लोकांनी. हेच पैसे निवडणुकीत राजकारणात वापरलेले आहेत, खास करून सिंधुदुर्गात वापरले असतील. इथे INS विक्रांत युद्धनौका आमची भारतीय युद्धनौका विक्रमी जिने विक्रम केला युद्ध जिंकण्याचा 1971 बांगलादेश, त्या युद्धनौकेच्या व्यवहारातसुद्धा वाचवण्याच्या नावाखाली भारतीय जनता पक्षानेच पैसे खाल्ले 58 कोटी रुपये. हा चोर इथेच बसल्या मुलुंडला, त्याला वाचवण्यासाठी हे देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री होताच पहिली सही कशावर केली असेल तर INS विक्रांत घोटाळ्याची चौकशी बंद करण्याचा. हे चोरच आहेत ना, हे चोरच आहेत, ह्यांच्यावरती काय विश्वास ठेवायचा? यांनी देशच विकून खाल्लेला आहे. त्याच्यामुळे शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात भारतीय जनता पक्षानं केलेलं कृत्य हे अधम आणि नीच आहे. शिवाजी महाराज असते तर अशा लोकांना कडेलोट केला असता. आणि म्हणून आम्ही 1 तारखेला ह्यांना जोडे मार